अब चलिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोग वासदाब के बारे में पढ़े थे। वासदाब पढ़े थे, वासदाब वासदाब के बारे में देखे थे कि जब हम किसी विलियन में कोई विलायक और विलय मिलाते हैं, ठीक है, ये विलय है और ये विलायक है, और विलायक भी वासशील हो, विलायक भी वासशील हो और विलय भी वासशील हो, दोनों को मिलाएंगे तो हम लोग के पास दोनों को मिलाए तो एक विलियन का निर्माण होगा। देखिएगा, एक विलियन का निर्माण होगा और विलियन में ये अगर पी नॉट इसका शुद्ध वास्तव हो और इसका पी वी नॉट हो, तो हम लोग पढ़े थे कल कि इनमें जो अणु होंगे पी ए और पी बी, दो प्रकार के वास्तुदाब बन के तैयार हो, एक पी ए और पी बी। और यदि पढ़े थे कि जो पी टोटल था, यानी कि वास्तुदाब टोटल विलयन का निकाले थे हम लोग, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, और किस नियमानुसार रावण के नियम को लगाए थे और डाल्टन के नियम को हम लोगों ने लगाया था। आज इसी प्रक्षेत्र में कल के वीडियो में हम लोग क्या किए थे कि विलय वास्तशील डाले थे और विलायक भी क्या था, वास्तशील है। थोड़ा आज हम यहाँ बदलाव करेंगे, देखिए क्या बदलाव करेंगे। बदलाव हम लोग क्या होगा, थोड़ा हम लोग आज जो डिनोटेशन है प्रदर्शित है उसको थोड़ा बदलेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए इसमें ये विलायक हो, आज हम कुछ बदलेंगे, ये क्या हो, विलायक हो, और आज हम विलायक को कैसे डिनोट करेंगे, ए से डिनोटेड करेंगे, ए से प्रदर्शित करेंगे, और विलय हो, विलय को हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे, विलय को प्रदर्शित करेंगे बी से विलय को प्रदर्शित करेंगे। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बदलाव करेंगे, ये वास्तशील पदार्थ होगा, जो विलय क्या होगा, वास्तशील पदार्थ होगा, और जो विलय होगा वो क्या होगा, अवास्तशील पदार्थ होगा, अवास्तशील पदार्थ होगा। इसका मतलब अवास्तशील के बारे में बताए थे अब तो, जैसे यूरिया बताए थे, ठीक है, टाइलुइन बताए थे, तो अवास्तशील पदार्थ अगर नहीं रखिएगा, अवास्तशील पदार्थ हो, ग्लूकोज भी अवास्तशील पदार्थ हो जाएगा और विलायक वास्तशील हो, दोनों को मिलाएंगे, इसका अगर मान लीजिए पी एन आर क्या है, शुद्ध वास्तव, हम कहें विलायक का शुद्ध वास्तशील पदार्थ वास्तदाब कितना हो, पी नॉट। ध्यान दीजिएगा, क्या इसका कोई वास्तदाब होगा क्या, ये तो वास्तशील ही नहीं है, अवास्तशील है, ये ऊपर जाएगा ही नहीं, और जब ऊपर नहीं जाएगा तो आप क्या बताएंगे इसका, ये देखिए ये बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, तो इसका क्या अवास्तशील पदार्थ होगा, कुछ होगा, इसका कोई वास्तदाब नहीं होगा, क्योंकि ये तो वास्तदाब बन ही नहीं रहा है, जब ये वास्तदाब बन ही नहीं रहा है इसका कोई वास्तदाब होगा ही नहीं। देखिएगा, हम दोनों इसको, ये क्या है, बी है, ये बी है, बिले भी ये है बी, और कैसा है ये, अवास्तशील है, और ये है आपका ए, और ये कैसा है, ये आपका वास्तशील पदार्थ है, क्या है ये, वास्तशील पदार्थ है, और जिसका शुद्ध जो वास्तव है पी ए नॉट के बराबर है, कितना है, पी ए नॉट के बराबर है, यानी कि शुद्ध जो वास्तव है पी ए नॉट है, विलय का शुद्ध वास्तव क्या है, पी ए नॉट। दोनों को हमने एक विलयन बनाया, ध्यान दीजिएगा, एक बड़े से पात्र में हमने विलयन बनाया, यानी कि इस ए को अब यहाँ ए है,
ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए है, ए पार्ट है, ए ए ए ए विलायक है ये, क्योंकि विलायक की संख्या अधिक है, पढ़े हैं बी जिसकी संख्या अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। अब उसी में हमने क्या किया, बी को डाला, यानी कि बी कैसा है, अवाष्पशील है, वाष्प बनेगा ही नहीं बी का। अब बताइए अगर यहाँ बी आके लग गया, ध्यान दीजिए बी यहाँ है, एक चीज बताइए, ये तो ऊपर जा रहा था, इससे ये ऊपर जा रहा था, लेकिन बी चल ही रहा है। बी क्या कर रहा है, इस ए के पार्टिकल को रोक दे रहा है ऊपर जाने के लिए, यानी कि सरफेस से ऊपर जाने के लिए ए पार्टिकल को बी पार्टिकल, बी तो आवाज़शील है तो ए के रोक दे रहा है, ए को क्या करा, तुमको हम जाएंगे सनम न तुझको जाने देंगे, यानी कि बी बोल रहा है ए तुम्हें जाने नहीं दूंगा, बी आवाज़शील है यानी कि वास बनता नहीं है बी का, तो क्या ए के ए को जाने देगा। यहाँ देखिए अगर यहाँ बी है, बी के नीचे ए, ए को ऊपर जाने देगा, सरफेस से ऊपर जाने देगा, नहीं जाने देगा, बी ए को नहीं जाने देगा, वास्तव नहीं बनने देगा, वास्तविक पदार्थ ए को रोके रहेगा। तो एक चीज हमको क्लियर हो रहा है कि आप दोनों को मिलाए तो इसका पी एन आर वास्तव था, और यहाँ जब जाने नहीं दे रहा है तो कुछ क्या हो रहा है, कुछ घट जा रहा है, यानी कि श्योर है कि हमेशा ये अगर मान लीजिए इसका वास्तव पी ए हो गया, पी भी तो होगा नहीं, पी भी तो बी वास्तविक पदार्थ है, यहाँ पी ए है, पी क्या है आपका, अगर पी है वास्तव किसका, विलायक का, विलायक का वास्तव है विलयन का, सॉरी विलयन का अगर वास्तव दाब कितना हो, पी ए हो, तो ये तो सियोर है कि पी ए का वास्तव, पीएन का वास्तव पी ए है, तो हमेशा जो पी ए होगा वो क्या होगा, पी नॉट माइनस पी ए होगा। विलयन का जो वास्तव अगर पी ए है तो पी ए बराबर क्या होगा, पी ए नॉट माइनस पी ए, किसने कुछ गड़बड़ हो रहा है। अगर ये विलयन का वास्तव क्या हो जाए, मान के चलिए पी हो जाए, या विलयन का वास्तव क्या हो जाए, पी ए, पी ए हो जाए, यहां विलयन का वास्तव क्या हो जाए, पी ए, तो ये श्योर है पी नॉट का मान अधिक होगा पी ए से, ये पॉइंट लिखना है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा पी ए नॉट का मान क्या हो जाएगा, अधिक होगा, क्योंकि यहाँ बी रोक रहा है तो बी ए को ऊपर जाने नहीं दे रहा है, अब जाने नहीं देगा तो ए का वास्तव क्या हो जाएगा, अब यहाँ विलयन का वास्तव कम हो जाएगा, विलायक के वास्तव से विलयन का वास्तव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि पी ए नॉट हमेशा क्या हो जाएगा, पी ए से अधिक होगा, ध्यान दीजिएगा इसी पे। इसका मतलब एक चीज आपको बता दे, ये कहा क्या रहा है, कह रहा है कि विलायक के कणों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, सॉरी कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है, प्रकृति पर निर्भर नहीं कर रहा है। थोड़ा इसलिए हम लोग देख लेते हैं, बाद में इसको देखते हैं। एक चीज है आप जानते हैं, अगर मान लीजिए इसका पी ए नॉट है, क्या है इसका पी ए नॉट है और ये पी ए, तो आपको पता है राउल के नियमानुसार पी ए इज इक्वल टू, सॉरी पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, आप जानते हैं एक्स ए, अभी पता है आपको, ये भी पता है कि नियमानुसार है राउल के नियमानुसार, राउल लॉ के अनुसार पी ए, कल वीडियो में पढ़े थे हम लोग राउल के, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा है, इसको ऐसे हम लोग लिखे थे पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट जीटा ए, क्या पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट जीटा ए। आपको एक चीज पता है,
जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। तो जीटा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीटा ई इक्वल टू वन माइनस जीटा बी। अब इस फार्मूले में इसको समीकरण वन लिखेंगे, इसका मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या होगा, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट वन माइनस जीटा बी, ऐसे हम लिख सकते हैं। देखेंगे इसको और बढ़ाएंगे थोड़ा, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट जीटा बी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी को थोड़ा और बढ़ाते हैं। देखेंगे इस समीकरण को पक्षांतर करने पर, इस समीकरण को क्या करें, पक्षांतर करें, इसको उधर भेजें, इसको उधर भेजें तो क्या हो जाएगा, माइनस पी ए नॉट जीटा बी इक्वल टू होगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा, पी ए माइनस पी ए नॉट। यहां ध्यान देंगे पी ए माइनस पी ए नॉट, इसको हम लोग थोड़ा और देखते हैं, ये माइनस है, ये क्या है, माइनस पी ए नॉट, थोड़ा माइनस से माइनस कटेगा चिन्ह जाएगा, पी ए नॉट जीटा बी इक्वल टू होगा पी ए नॉट माइनस पी ए। देखेंगे ये पी ए नॉट माइनस जीटा बी पसंद, ये दशमलव ये माइनस इधर, तो माइनस को काटने के लिए इसका उल्टा कर दिए, पी ए नॉट माइनस पी ए, ये माइनस को हटाने के लिए क्या किए, उल्टा कर दिए, इसको इसमें से घटा दिए तो आ जाएगा, यानी कि माइनस से गुणा कर रहे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पी ए नॉट माइनस पी ए हो जाएगा। और जीटा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीटा बी इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए अपान पी ए नॉट। ये आपका एक फार्मूला निकल के आया, देखेंगे ये फार्मूला निकल कर आया, नोट करेंगे, नोट करें फिर हम आपको उसी को लेके चल रहे, नोट करें। ये आपका उसको फिर यहां लिखते हैं, जीटा ई इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए अपान पी ए नॉट मिला, जहां अब देखिएगा ये जो पी ए पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी ए नॉट क्या है, ये ही वास्तव का आपेक्षिक अवनमन है। वास्तव में क्या है, आपेक्षिक अवनमन, वास्तव का, वास्तव का दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, आपेक्षिक अवनमन क्या है, पी ए माइनस पी ए अपन पी ए नॉट इक्वल टू क्या है, वास्तव का आपेक्षिक अवनमन है। अगर थोड़ा हम लोग इसको देखते हैं, इस तरह बोल लिख देते हैं, पी ए नॉट माइनस पी ए अपन पी ए नॉट इक्वल टू जीटा बी, आप जानते हैं जीटा बी बराबर क्या होता है, जीटा बी बराबर होता है, जीटा बी, बी को हम लोग यहां डीए माने हैं, तो जीटा बी इक्वल टू होता है डीए के मोलों की संख्या, डीए के मोलों की संख्या पढ़ लिए हैं, मोल फ्रैक्शन है, मोलों की संख्या बटे डीए के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलाय के मोलों की संख्या। ध्यान दीजिए विलाय के मोलों की संख्या, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, n अपान n स्मॉल n प्लस कैपिटल n, ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो क्या हम जीटा b की जगह पे ऐसे लिख सकते हैं, n अपान n प्लस n एकदम लिख सकते हैं,
Pn0 Pa/Pn0 = n+n। अगर एक चीज बताइए, यदि इस समीकरण में n प्लस n का मान नियर अबाउट कितना हो, n के बराबर हो, तो ये देखिएगा n प्लस n का मान नियर अबाउट n हो तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं Pa0 - Pa/Pa0 = n/N। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। और आपको पता है n बराबर क्या होता है, देखिएगा मोलों की संख्या n बराबर क्या होता है, पदार्थ का भार W, यहाँ n हम लोग b मानेंगे और कैपिटल n को a मानेंगे, क्योंकि कैपिटल n क्या है, विलायक है, और स्मॉल n क्या है, स्मॉल n विलय है। तो यहाँ हम लोग n बराबर WB/mv लिख सकते हैं और कैपिटल n बराबर क्या लिख सकते हैं, WA/mA, विलायक माने हैं। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, Pa0 - Pa/Pa0 = लिख सकते हैं, Mb की जगह पे WB/Mb/WA/mA। ये देखिएगा ये बटा का बटा है, ऊपर जाएगा Mb नीचे आएगा, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं WB×Ma/Mb×WE, ऐसे लिख सकते हैं। और ये भी आपका एक फार्मूला बनके तैयार होगा, Pa0 - Pa/Pa0, ये फार्मूला तैयार होगा आपका। आप इच्छित जहां आप भी लिखे कि Pa0 - Pa/Pa0 वास्तव का आपेक्षिक अनुमान है, ये आपने पढ़ा, ठीक है, ओके। इतना ये आप लोग फार्मूला लिखेंगे, ये फार्मूला बनाएंगे, वीडियो को एक से कई बार देख के और देखेंगे कैसे मुझे लगाया कि वास्तव का आपेक्षिक अनुमान कैसे आया, Pa0 - Pa/Pa0 क्या है, वास्तव का आपेक्षिक अनुमान है, और ये आपका जीटा बी है, WB×Ma/Mb×WA। फिर सुनेंगे Pa0 - Pa/Pa0 क्या है, आपेक्षिक वास्तव का अनुमान है। WB क्या है, WB आपको निकाले कि विलेय का भार बटे विलायक का अनुभाग, यह विलायक का अनुभाग, विलायक का भार बटे विलायक का अनुभाग, इतना आप लोग लिखें। थोड़ा एक चीज बता दें आपको, एक टर्म आता है अनुसंख्य गुणधर्म, किसे अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं, इसे मिटाते हैं। अब लिखेंगे ये नोट करके लिखेंगे, अनुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं, विलयन के वे गुणधर्म, अनुसंख्य गुणधर्म विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। अनुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं, विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है, अनुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। अब कितने अंश, अब देखिए वास्तव का आपेक्षिक अनुमान अभी निकाले थे आपने, क्या निकाले थे, Pa0 - Pa/Pa0 ये आपने निकाला था कि क्या है वास्तव का आपेक्षिक अनुमान, और किसके बराबर, जीटा बी, और जीटा बी किसके निर्भर करता है, कणों के संख्या पर निर्भर करता है, विलेय और विलायक के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है, और अनुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। मान लीजिए वास्तव का आपेक्षिक अनुमान है, ये भी क्या है, और अनुसंख्य गुणधर्म है, क्वथनांक का अनुमान, हिमांक का अनुमान, अपरासरण,
चार आपको पढ़ना है और उसके गुणधर्म में वाक आपका अपेक्षित अवनमन अभी आपको मैंने दिया पथनान का अवनमन उसके बाद हिमान का अवनमन उसके बाद पराशरण यानी कि वाक आपका अपेक्षित अवनमन पथनान का अवनमन हिमान का अवनमन और पराशरण का आपका देखिएगा पथनान का उन्नयन होगा सॉरी पथनान का उन्नयन होगा इसको सुधार करेंगे पथनान का उन्नयन वास्तव का अपेक्षित अवनमन क्वथनांक का उन्नयन और हिमान का अवनमन पराशरण का इतना आपका अनुसंख्य गुणधर्म है चार और चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा इसी से बोर्ड से क्वेश्चन आता है मैक्सिमम मैं देखा हूँ इसी से क्वेश्चन आते हुए बोर्ड में आपका एक नंबर का पूछ देगा क्या इसमें कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है सब दे देगा वास्तव का अपेक्षित अवनमन क्वथनांक का उन्नयन हिमांक का अवनमन पराशरण का और घनत्व दे दिया क्या दे दिया घनत्व तो ये घनत्व क्या हो जाएगा घनत्व अनुसंख्य गुणधर्म नहीं होगा तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा फिर आगे चलते हैं हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे वास्तव के अपेक्षित अवनमन पर क्वेश्चन है किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वास्तव एक क्वेश्चन देखेंगे किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वास्तव अब शुद्ध बेंजीन का वास्तव कितना दिया है 0.845 है 0.5 ग्राम आवासीय विद्युत अनअपघटित ठोस को 39 ग्राम बेंजीन जिसका मोलर द्रव्यमान 78 है में घोला गया प्राप्त पीडीएल का वास्ता 0.845 है तो ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए देखिए फार्मूला में दिया क्या है पहले देख लेते हैं दिया क्या है क्या क्या दिया है सॉल्व दिया है आपका किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वास्ता और शुद्ध बेंजीन का वास्ता हम लोग कैसे दर्शाते थे PA0 शुद्ध वास्ता पिलायक चूंकि बेंजीन क्या है पिलायक है तो इसका PA0 शुद्ध क्या है वास्ता है और कितना है 0.845 ध्यान दीजिए फिर आगे का है 0.5 ग्राम आवासीय विद्युत अनुभट है तो 0.5 ग्राम ये 0.5 ग्राम ये बोल रहा है बोल क्या रहा है अब देखेंगे थोड़ा ऐसे हम कर लेते हैं PA0 तो दे दिया है एक और बनाते हैं देखेंगे ये विलायक है और ये विलेय दिया है 0.5 यानी कि WB का मान दिया है 0.5 ग्राम ध्यान दीजिए WB का मान क्या दिया है 0.5 ग्राम और 39 ग्राम बेंजीन यानी कि WA का मान दिया है विलायक है 39 ग्राम क्या है 39 ग्राम आपको पता है WA क्या है विलायक है और पूछ क्या रहा है देखिए बेंजीन का मोलर द्रव्यमान यानी कि MA दे दिया है 39 78 दिया है सॉरी 78 दिया है इसमें पूछ क्या रहा है प्राप्त विलयन का वास्ता अब प्राप्त विलयन जो है यानी कि PA जो प्राप्त विलयन है उसका जो PA निकल के कितना आया 0.845 बार पूछ क्या रहा है ठोस का मोलर द्रव्यमान यानी कि जो डाले हैं विलेय उसी का मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है सॉल्व करेंगे आप फार्मूला जानते हैं अभी PA0 PA upon PA0 = θB को हम लोग ऐसे लिख देते n अपान कैपिटल n और कैपिटल n को अभी हम लोग लिखे थे इसको ऐसे लिखे थे चलिए n by कैपिटल n थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं यहाँ पे यहाँ देखेंगे बढ़ाते हैं यानी कि आप ये PA0 PA upon PA0 = स्मॉल यहाँ देखेंगे स्मॉल n बराबर क्या होगा WB / MB
और कैरेक्टर यंग तो हम लोग ए माने थे, तो डब्ल्यू ए बटे यंग ए, इसको अगर ऐसे करेंगे तो एम देखिएगा ए एम बी नीचे जाएगा और एम ए ऊपर जाएगा, तो ये पी ए नॉट हम लोग निकालेंगे पी ए अपन पी ए नॉट इजकल टू डब्ल्यू बी बुढ़े यम ए अपन डब्ल्यू ए बटे यम बी, ये फार्मूला हम लोग निकालेंगे। फार्मूले में रखेंगे हम लोग पी ए का मान दिया है 0.845, पी ए का मान दिया है 0.845, 0.8 देखेंगे 0.845 है, 0.845 देखेंगे इधर 0.845 ही लिखा है, थोड़ा एक मिनट खुद समझिए 0.850 है, ये देखेंगे थोड़ा हम लोग यहाँ क्वेश्चन में सुधार करेंगे 0.850 है, 0.850 और ये 0.845, यानी कि यहाँ थोड़ा फिलहाल यहाँ 850 करेंगे और यहाँ आप क्या लिखेंगे 0.850 माइनस 0.845 बटे 0.850 बराबर यहाँ डब्ल्यू बी का मान क्या दिया है 0.5, देखिए डब्ल्यू बी का मान 0.5, एम ए का मान 78 बटे डब्ल्यू ए का मान कितना दिया है, डब्ल्यू ए का मान दिया है देखेंगे 39 ग्राम, कितने ग्राम 39 ग्राम, डब्ल्यू ए का मान 39 ग्राम और एम बी पूछ रहा है एम बी, ये 0.5 करें ये 0.850 माइनस 0.845 घटाएंगे कितना होगा, लगभग में आपका 0.005 बटे 0.8540 होगा, घटाएंगे कितना आ जाएगा बराबर ये जो गुणा करेंगे 39 आएगा, 0.578 में गुणा करेंगे तो 39 आएगा, 39 बटे 39 गुणे एम बी, यहाँ 39 से 39 आपका कट जाएगा, एक बचेगा और इसका जब भाग देंगे तो आपका कितना आएगा 0.00589 बराबर 1/MB, MB का मान निकालेंगे, MB बराबर क्या हो जाएगा 1/00589, यहाँ 0 करेंगे MB बराबर, और ये जब भाग करेंगे इसका तो आंसर लगभग में आपका आएगा 169.78 और इसको हम लोग 170 लिख सकते हैं, यही आंसर आएगा। चलिए नोट्स करिए, नोट्स के लिए एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, क्वेश्चन देखेंगे 298 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वास्ता 23.8 mmHg है, 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया H2CO2 घोला जाता है, इस विलयन के लिए वास्ता और अपेक्षित अनुमान की गणना कीजिए। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है सॉल्व करते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे मैं बता रहा हूँ क्या क्या दिया है। शुद्ध जल का वास्ता पी ए नॉट का मान दे दिया है आपका 23.8 mmHg, और क्या दिया है जल का भार यानी कि डब्ल्यू ए का मान दिया है 850 ग्राम, और जल का जो जल है जल का अनुभार कितना होता है, अनुभार होता है 18,
ये दे दिया है, और क्या दिया है इसके ही साथ साथ आपको दिया है यूरिया यानी कि डब्ल्यू बी का मान कितना दिया है 50 ग्राम, कितना दिया है 50 ग्राम। और यूरिया का अनुभार एमडी बराबर क्या होता है जोड़ेंगे तो इसका अनुभार 60 आएगा, तो एमडी कितना है 60, इतना दिया है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है इस विलयन के लिए वास्तव यानी कि पी ए का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है पी ए का मान पूछ रहा है, और फिर पूछ रहा है अपेक्षित अनुमान यानी कि ए वाला पी ए नॉट माइनस पी ए अपान पी ए नॉट का मान पूछ रहा है। देखिए डायरेक्टली हम लोग अपना फार्मूला बुलाएंगे, क्या फार्मूला है पी ए नॉट माइनस पी ए अपान पी ए नॉट इजकल टू, अभी हम लोग निकाले थे एन बाई कैपिटल एन, और देखेंगे फिर मैं बता दे रहा हूं एन बराबर क्या होता है डब्ल्यू बाई एम बी, क्या होता है डब्ल्यू बाई एम बी, और कैपिटल एन बराबर क्या होता है डब्ल्यू बाई एम बी। ये इस बार करेंगे ऊपर चला जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपान एम बी इंटू डब्ल्यू ए होगा, तो फार्मूला डायरेक्टली यहां लिखेंगे क्या होगा पी ए नॉट माइनस पी ए अपान पी ए नॉट इजकल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपान एम बी गुड़े डब्ल्यू। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्वेश्चन पी ए नॉट का मान दिया है, पी ए पूछ रहा है, यहाँ से पी ए निकालिएगा, और सारा मान दिया है डब्ल्यू बी का मान दिया है, डब्ल्यू बी का मान 50 ग्राम, एम ए का मान 18, एम बी का मान 7 और डब्ल्यू ए का मान 23.8। अब ये फार्मूला दिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, और हमारे यूट्यूब चैनल से या मेरे निजी व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉल करके या आप उसका आंसर भेज सकते हैं, किसी तरह से भी आंसर भेज सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। ओके, तब तक धन्यवाद।